नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? ऐसा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए कर्नाटक पंचायत चुनाव इलेक्शन की काउंटिंग जारी है और आपको मैं अभी बताऊंगा लाइव अपडेट, कौन सी पार्टी कितने सीटों पर आगे चल रही है, कौन सी पार्टी जीतने के करीब पहुंच चुकी है। कर्नाटक में पंचायत चुनाव 5728 सीटों के लिए हो रहे हैं और ये बैलेट और ईवीएम दोनों से यहाँ पर हो रहा है। कुछ इलाकों में ईवीएम से चुनाव हुए हैं और कुछ इलाकों में बैलेट पेपर से हुए हैं, इसलिए रिजल्ट जो है कि शाम तक आएगा, क्योंकि जहां बैलेट पेपर होता है वहां रिजल्ट आने में देरी होती है। वहीं अगर हम बात कर लें इस चुनाव की, तो 22 तारीख को फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ था और सेकंड फेज का इलेक्शन 27 तारीख को हुआ था और वोटिंग की गिनती यानी परिणाम आज जारी किए जाएंगे। काउंटिंग लगातार चल रही है। 78% मतदाताओं ने वोट किया था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दें कि कर्नाटक पंचायत का चुनाव पार्टियों के सिंबल पर नहीं हुआ था, यानी पार्टियों ने अपने सिंबल किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिए थे। चुनाव आयोग ने जो सिंबल निर्धारित किया था उसी सिंबल पर ये चुनाव हुआ था। लेकिन पार्टियों के सिंबल पर भले ही ये चुनाव नहीं हुआ हो, परंतु पार्टियों ने अपने सपोर्टर्स, अपने कैंडिडेट मैदान में उतारे थे। चूँकि पार्टी सिंबल पर ये इलेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी सपोर्टर्स के आधार पर ही हमने जो आंकड़े जुटाए हैं वो आपको हम बता रहे हैं, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लीड कर रही है और कितनी सीटें जो है कि जीतने के करीब पहुंच गई है। कर्नाटक में प्रमुख रूप से चुनाव मैदान में जिनका दबदबा रहता है, जो पार्टियां मजबूत हैं वहां पे, वो तीन पार्टी हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं। इसके अलावा कर्नाटक की एक और क्षेत्रीय पार्टी है जेडीएस यानी जनता दल सेकुलर। जेडीएस वहां पे तीसरी शक्ति है, यानी वहां के क्षेत्रीय पार्टी और काफ़ी मजबूत पार्टी है। चलिए आपको अब लाइव अपडेट बता देते हैं कौन सी पार्टी के कितने समर्थित कैंडिडेट जो है कि कितनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। सबसे पहले हम आदर्श की बात करें यानी निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें और छोटी पार्टियों की, तो कुल मिलाकर के निर्दल और छोटी पार्टियां करीब करीब 454 सीटों पर आगे चल रहे हैं और कुछ इसमें जीत चुके हैं। तो यानी 454 सीटों पर लीड कर रही हैं निर्दलीय और छोटी पार्टियों के उम्मीदवार, 454 सीटों पर लीड कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्टी की बात करें तो अगली पार्टी है जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर। जेडीएस की बात करें तो जेडीएस की कमान इस समय कुमार स्वामी के हाथ में है। कुमार स्वामी मुख्यमंत्री भी कर्नाटक में अभी कुछ दिन पहले रहे कांग्रेस गठबंधन के साथ, और जेडीएस यहां पे 613 सीटों पर लीड कर रही है, यानी 613 सीटों के साथ जेडीएस अपनी बढ़त बनाए हुए है। इसमें कुछ सीटों पर जेडीएस को लीड मिली है, कुछ सीटों पर जीत हो चुकी है। नेक्स्ट अगली पार्टी की बात करें तो अगली पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस और जेडीएस की अभी कुछ समय पहले सरकार थी कर्नाटक में। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस अभी 1597 सीटों पर लीड कर रही है। 1597 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। इसमें कुछ उम्मीदवार कांग्रेस के जीत चुके हैं और कुछ उम्मीदवार जो है कि अभी लीड पे हैं, उनकी शाम तक जो है कि फाइनल रिजल्ट आने की संभावना है। नेक्स्ट पार्टी की बात करें तो अगली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कर्नाटक की सत्ताधारी पार्टी। बीजेपी ने उपचुनाव में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और सीटें जीती। अभी देखिए जो पंचायत चुनाव हो रहा है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी नंबर वन पार्टी बनकर उभर रही है। सबसे ज़्यादा बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार जीत रहे हैं 3446 सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसमें कुछ उम्मीदवार बीजेपी के जीत चुके हैं और कुछ उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। तो जहाँ पे बैलेट पेपर से काउंटिंग हो रही है वहाँ पे शाम तक रिजल्ट आएंगे, रात भी हो सकती है, हम आपको फिर आपको अपडेट देंगे। काउंटिंग लगातार जारी है, शाम तक हम आपको फिर अपडेट देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फाइनल अपडेट हम आपको रात में देंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।